हाय फ्रेंड्स, दिस इज दीपक एंड वेलकम टू कॉमिक जोन। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसकी कोई भी वीडियो आपको हिंदी में ऑनलाइन नहीं मिलेगी। ये इस बारे में है कि अगर आपका गिटार जो है वो बज करने लग रहा है, अगर आपके गिटार का नेक जो है पूरा बेंड हो गया है और जो स्ट्रिंग्स है एकदम चिपक गई है फ्रेटबोर्ड पे, तो आप गिटार को कैसे ठीक करते हैं विदाउट ट्रस रॉड। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये एक और गिटार है जिसकी रिपेयरिंग मैं आपके सामने करने वाला हूँ। इस गिटार में क्या है, हमारी जो स्ट्रिंग्स हैं आप देख रहे हैं कि चिपक गई हैं पूरी। फ्रेटबोर्ड और स्ट्रिंग्स के बीच में बिल्कुल भी डिस्टेंस जो है वो नहीं है, इस वजह से इनमें जो साउंड आ रही है ऐसी साउंड आ रही है। तो गिटार में ऐसी साउंड आ रही है और ये जो है ये एकदम चिपक गई है। इसका रीज़न ये है कि गिटार जो है यहाँ से इसका नेक जो है बेंड हो रखा है। अब जैसे कि आपको पता है, ज्वेलर्स या इंटर्न के गिटार में या ये भी जो भी सस्ते गिटार होते हैं जिनका ये जो फ्रेटबोर्ड होता है प्लास्टिक का होता है और जो ब्रिज होता है ये भी प्लास्टिक का होता है, इसमें हम इनको घिस नहीं सकते। मतलब इसके इलाज के लिए हम इसमें ट्रस रॉड भी नहीं है जिससे हम ट्रस रॉड से ठीक कर पाएँ या इसको घिस के निकाल पाएँ फ्रेटबोर्ड को, क्योंकि प्लास्टिक का है। तो किस तरीके से ठीक कर सकते हैं हम, ये जो तरीका है इसी गिटार पे एप्लीकेबल होगा, क्योंकि इसकी जो वायर्स है चिपक रखी है। अगर कोई और तरीके का नेकबैंड होता है जिसमें वायर जो होती है ऊपर की तरफ होती हैं, उठ रखी होती हैं, तो उसको अलग तरीके से ठीक करना पड़ेगा हमें। अब क्योंकि ओपन प्ले करने में इसमें बजिंग आ रही है, तो हमें क्या करना होगा, स्ट्रिंग्स को ऊपर उठाना होगा। स्ट्रिंग्स को ऊपर उठाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो नट है इसको निकाल सकते हैं और इसके अंदर कुछ सामान डाल सकते हैं और उसके ऊपर हम नट लगाएंगे ताकि इसका जो एक्शन है वो हाई हो जाए। अगर उससे भी इलाज नहीं होता तो ये जो इसका सैडल है हमें ये निकालना पड़ेगा, इसके नीचे कुछ लगाना पड़ेगा ताकि इसका जो एक्शन है हाई हो जाए और फिर हम देख सकते हैं कि ये ठीक होगा या नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले इसकी जो स्ट्रिंग्स हैं इनको लूज़ करते हैं। जो स्ट्रिंग्स है सारी लूज़ कर दी मैंने, अब ये जो है स्ट्रिंग जो है सारी मैं एक एक करके निकाल देता हूँ। अब ये जो इसका जो नट है ये यहाँ पे चिपका हुआ था, तो हम क्या करेंगे, इसको किसी की भी हेल्प से यहाँ पे एक कोई भी मोटी चीज़ रख के, नुकीली चीज़ ना रख के हम यहाँ पे करेंगे और यहाँ से मार के इसको निकालने की कोशिश करेंगे। ये ईजीली निकल जाता है। अब क्या है कि इसके अंदर यहाँ पे आप गैप देख रहे हैं, हमें इस हाइट को बढ़ाना है ताकि एक्शन जो है वो ऊपर हो जाए। तो इसके लिए मेरे पास एक बिजनेस कार्ड पड़ा हुआ है, इसको मैं काटता हूँ। ऐसे कर करके हम इसके तीन चार टुकड़े निकाल लेंगे और यहाँ पे इनको इकट्ठा करके यहाँ पे लगा देंगे और इसके ऊपर हम अपना जो सेट जो नट है वो रखेंगे। तो मैंने पहले से काट के रखे हुए ये यहाँ पे, आप देख पा रहे होंगे। तो मैं इनको क्या करता हूँ, इकट्ठा कर देता हूँ और यहाँ पे लगा देता हूँ। अभी हम ट्राई कर रहे हैं इसलिए इस पर गोंद नहीं लगा रहे। जब हमें पता लग जाएगा कि हाँ एकदम इतनी हाइट चाहिए, उसके बाद हम इसके नीचे और इन सब के नीचे गोंद भी लगा देंगे। अब हम ये इसके ऊपर रखते हैं और सारे स्ट्रिंग्स को वापस लगाते हैं। हम ये चेक कर रहे हैं कि ओपन फ्रेट में, यानी कि जब हम ओपन प्ले कर रहे हैं, तो जो बजिंग है वो ठीक होती है कि नहीं होती है। स्ट्रिंग्स को हम टाइट कर लेते हैं। तो अब भी जब मैं ओपन प्ले कर रहा हूं तो इसमें बजिंग की साउंड आ रही है, तो मतलब हमें एक और तरीका जो है वो अपनाना पड़ेगा। इसको वापस लूज करते हैं। ये जो पार्ट है गिटार का इसको सैडल बोलते हैं, इसको हम यहां से निकाल लेंगे और हमें इसकी भी हाइट बढ़ानी पड़ेगी, इसके नीचे भी कुछ लगाना पड़ेगा। तो ये नॉर्मल माचिस की तीली है जो मैंने तोड़ के रखी हुई है,
हम क्या करेंगे, माचिस की तीली इसके अंदर लगा देंगे। अभी हम कुछ भी फिक्स नहीं कर रहे, हम ट्राई कर रहे हैं, अगर ये ठीक होगा तभी हम इन चीज़ों को फिक्स करेंगे। अभी जो सैडल है स्ट्रिंग्स को और लूज करना पड़ेगा हमें। हमने लूज कर दिया, अब सैडल हम इसमें लगा देंगे। हमने सैडल लगा दिया, अब हम इसको दोबारा टाइट करके देखते हैं। अब देख पा रहे हैं, अब जो एक्शन है इसका वो चारों तरफ से बढ़ गया और जो गैप है वो खत्म हो गया। यहाँ पे भी आप देखेंगे आगे की तरफ, तो जो इसकी हाइट बढ़ने से और एंड में जो हमने सैडल की हाइट बढ़ाई है, दोनों की वजह से इसका एक्शन बढ़ गया है। अब ओपन जिम में भी जब हम प्ले कर रहे हैं तो जो बजिंग की साउंड थी वो खत्म हो गई है और मतलब अब ये जो है आप प्ले कर सकते हैं। लेकिन ये आइडल गिटार नहीं है, अगर आप कोई भी गिटार परचेस करते हैं तो आपको ट्रस रॉड वाला गिटार परचेस करना चाहिए, या एटलीस्ट जिसका फ्रेट बोर्ड जो है और जो ब्रिज है वो प्लास्टिक का ना हो, लकड़ी का हो, क्योंकि उनको रिपेयर करना काफ़ी आसान होता है। इन गिटार को रिपेयर करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। विदाउट ट्रस रॉड गिटार भी जो लकड़ी के होते हैं जिनमें फ्रेट बोर्ड, उनको रिपेयर करना ईजी होता है इन गिटार की कंपेरिजन में। तो इस तरीके से आप जो गिटार है जिसमें ट्रस रॉड नहीं है उसको रिपेयर कर सकते हैं। उस गिटार में प्रॉब्लम थी, उसका जो एक्शन था वो बहुत ज़्यादा कम था। यहाँ पे एकदम अपोजिट प्रॉब्लम है, यहाँ पे गिटार का जो एक्शन है वो बहुत ज़्यादा हाई है। फ्रेटबोर्ड और स्ट्रिंग्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो काफ़ी बढ़ रखा है। ये जो सैडल है इसको किसी भी ऐसी चीज़ से हम मारेंगे तो ये जो नट है इसको सैडल नहीं नट बोलते हैं, सैडल इस वाले पार्ट को बोलते हैं। तो ये जो नट है हम ऐसे निकाल लेंगे। अब हमें क्या है, इसकी जो हाइट है वो कम करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें इसको घिसना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें ऐसा टूल चाहिए होता है जिसको हम रेती बोलते हैं। इसको हम क्या करते हैं कि इसको इससे यूं रगड़ के क्या है घिसते हैं। मैंने ऑलरेडी एक जो नट है उसको घिस के रख रखा है और उसको छोटा कर दिया है। अगर आप दोनों की हाइट देखोगे तो आपको डिस्टेंस पता चलेगा कितना डिफरेंस है। ऑलमोस्ट मैंने इसको आधा कर दिया घिस के और ये मेरे पास नट जो है अवेलेबल था। आप चाहें तो इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, इसका लिंक जो होगा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। तो अब ये जो है मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ये भी हम टेम्परेरी चेक कर रहे हैं तो इसके लिए हम यहाँ से चेक करें, अदरवाइज हम इसको चिपका देते अगर हम परमानेंट श्योर होते कि हाँ हमने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया। अब हमने ये कर लिया है, अगर अब इसका एक्शन एक बार चेक करते हैं कितना हो गया। इसका एक्शन देख रहे हैं अब पहले से काफ़ी कम हो गया, मतलब पहले जो था काफ़ी ज़्यादा था पहले से कम हो गया। लेकिन अगर इसको और कम करना है हमें तो ये जो सैडल है इसको हमें निकालना पड़ेगा और इसको भी घिसना पड़ेगा। इसको दोबारा घिस के आप लगा सकते हैं और ये घिसने के बाद इतना घिसेगा कि यहाँ पे थोड़ी थोड़ी हाइट रह जाए। अगर यहाँ पे हाइट नहीं रहेगी तो ये चिपक जाएगा, साउंड सही नहीं करेगा। तो इसको भी अगर आप घिस के लगा देंगे तो आपका जो गिटार का एक्शन होगा वो एकदम परफेक्ट हो जाएगा। मैं आपको एग्जाम्पल करके बताता हूँ, अगर आप वहाँ से करेंगे तो हाथ से मैं आपको बताता हूँ कि कितना एक्शन परफेक्ट होना चाहिए। इतना एक्शन अगर आप ले आएंगे गिटार का तो ये आपका गिटार का एक्शन जो होगा परफेक्ट होगा। तो इस तरीके से आप ज्यूरेज या इंटर्न की गिटार को ठीक कर सकते हैं।
तो जैसे कि हम इस अगर गिटार को चेक करते हैं तो गिटार का जो ये वाला फ्रेट है इस फ्रेट में बजेंगे और पूरे गिटार में बजिंग नहीं है। तो जब सिंगल किसी फ्रेट में बजिंग होती है तो उसको कैसे ठीक करना है तो वो इस वीडियो में हम चेक करते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो नेक है वो ऑलमोस्ट सीधी है लेकिन बस ये जो फ्रेट है 11th फ्रेट है इस पे बजिंग आ रही है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि अगर इस फ्रेट पे बजिंग आ रही है तो उसका जो अगला फ्रेट है, जस्ट अगला फ्रेट जो है उसे हमें थोड़ा अंदर ठोकना पड़ेगा। इसका रीज़न क्या होता है, जब हम इस फ्रेट पे पकड़ते हैं तो यहाँ वाले फ्रेट से इस फ्रेट पे जो वायर होती है वो टच हो रही होती है और टच होने की वजह से बजिंग आती है। तो हमें ये जो फ्रेट है इसको थोड़ा सा दबाना पड़ेगा अंदर ताकि जो बजिंग है वो ख़त्म हो जाए। तो करके देखते हैं। अब एक बार हम स्ट्रिंग को लगा के देखते हैं कि बजिंग जो हुई है ठीक हुई है कि नहीं हुई है। पहले से बेटर साउंड है लेकिन अभी भी प्रॉपर साउंड नहीं आ रही है। देखो तो अब दूसरा मेथड जो है वो अप्लाई करते हैं। हमें करना पड़ेगा ये जो औजार है इसको रेती बोलते हैं, इसको यूज करना पड़ेगा और ये वाला फ्रेट जो है हम इसको अप्लाई करके इस पे घिसेंगे। आपने एक चीज नोटिस की कि हमने सारे फ्रेट घिसे लेकिन बस ये वाला फ्रेट और ये वाला फ्रेट जो था जो सबसे ऊपर आ रहा था वही घिसा है और बाकी सारे फ्रेट जो हैं वो ठीक है। तो अब हम फाइनली अपने जो स्ट्रिंग्स हैं इनको लगा के देखते हैं और टाइट करके देखते हैं और अब देखते हैं कि अब भी बजिंग आ रही है या अब ठीक हो गई है। तो अब आप देख रहे हैं जो बजिंग है वो ठीक हो गई। आपको दोबारा मैं दोबारा प्ले करके बताता हूँ। तो हमारी बजिंग जो है गिटार की चली गई है, इस फ्रेट पे बजिंग थी, जो बजिंग है वो चली गई है। सो दोस्तों होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ में आ गया होगा पूरा प्रोसेस जो मैंने किया है। आपको इसमें क्या करना होता है, आपका जो नट होता है गिटार का उसकी हाइट आपको बढ़ानी पड़ती है क्योंकि स्ट्रिंग्स ऑफ फ्रेटबोर्ड चिपके होते हैं उसमें बजिंग के साउंड आ रही होती है। तो इस वजह से आपको हाइट बढ़ानी पड़ती है। ये जो तरीका है ये तभी अप्लीकेबल है जब आपका गिटार बहुत ज़्यादा बैंड ना रखा हो, एकदम मुड़ ना रखा हो, नहीं तो आप जितनी भी हाइट बढ़ा ले वो उसके लिए काफ़ी नहीं होगी और आप उसको प्ले नहीं कर पाएंगे। अगर आपका गिटार का जो नेक है बिल्कुल एकदम धनुष के जैसे एकदम मोड़ रखा है तो आप ये अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर काफ़ी हद तक ये जो होता है बैंड जो होता है इसको उठाने में काम कर देता है आपका, अगर नट से काम चलता है तो नट में हाइट बढ़ा के, अगर उससे काम नहीं चलता तो सैडल की हाइट बढ़ा के आप अपना गिटार ठीक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में।